हेलो, आई एम डॉक्टर राहिल चौधरी, आई डॉक्टर, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। आज मैं हूँ ESCRS कॉन्फ्रेंस 2023 जो हो रही है यूरोप ऑस्ट्रिया वियना में, एंड बहुत ही एक्साइटिंग कॉन्फ्रेंस है क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें इस कॉन्फ्रेंस में इंट्रोड्यूस करी गई है। जॉनसन एंड जॉनसन ने भी एक नई मशीन को लॉन्च करा है जिसका नाम है एलिटा, जिसमें चश्मा हटाने का एक प्रोसीजर सिल्क वो करा जा सकता है। एंड नाउ वी आर गोइंग बियॉन्ड लेसिक, बियॉन्ड स्माइल, बियॉन्ड कंट्यूरा। साथ ही साथ एल्कॉन ने नए टाइप के कैटरेक्ट या मोतियाबिंद के लेंसेज को लॉन्च करा है, जिसमें क्लारियन रेंज को लॉन्च करा गया है जो नया टाइप का मटेरियल है जिससे और ज़्यादा क्लैरिटी आती है मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद। साथ ही साथ और भी कुछ नई इंट्रोडक्शंस हैं, काले मोतिया की ट्रीटमेंट में नई चीज़ों को लॉन्च करा गया है, ड्राई आई की ट्रीटमेंट्स में नई चीज़ों को लॉन्च करा गया है। तो सारा समझेंगे क्या क्या नया आया है ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में, एंड बहुत ही जल्दी ये सारी इक्विपमेंट, सारे डायग्नोस्टिक, सारे ट्रीटमेंट्स हम अपने हॉस्पिटल में भी इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि हमारे इंडियन पेशेंट्स इन सारी टेक्नोलॉजीज़ का एडवांटेज ले सके। तो पूरा एक टूर देता हूँ कॉन्फ्रेंस में क्या चल रहा है और आगे दिखाता हूँ क्या क्या हो रहा है। 2023 में जॉनसन एंड जॉनसन ने एलिटा नाम की मशीन को लॉन्च करा है जिसमें सिल्क नाम का प्रोसीजर करा जा सकता है चश्मा हटाने के लिए। आगे दिखाता हूँ और क्या चल रहा है। तो ICL में जो नई इंट्रोडक्शन है, दैट इज द ICL वीवा। अब ये ICL वीवा क्या चीज़ है? ICL वीवा बेसिकली प्रेस बायोपिया करेक्टिंग ICL है। तो अभी तक जो ICLs अवेलेबल थे वो सिर्फ दूर की नज़र को ठीक करते थे, लेकिन अगर कोई इंसान अपना ICL 40-45 साल की उम्र के बाद करा रहा है तो उसकी आंख में दूर के साथ साथ नज़दीक का नंबर भी आ जाता है। तो ICL वीवा का पर्पस है कि ICL वीवा दूर और नज़दीक दोनों नंबर्स ठीक कर सकता है, और बहुत ही जल्दी ये इंडिया में भी लॉन्च होने वाला है। आगे दिखाता हूँ इस कॉन्फ्रेंस में और क्या चल रहा है। 2023 में एल्कॉन ने क्लारियन रेंज ऑफ लेंसेज या IOLs को इंट्रोड्यूस करा है जो कैटरेक्ट या मोतियाबिंद के ऑपरेशन में काम आते हैं। क्लारियन जो रेंज है वो बेसिकली एक नए मटेरियल का लेंस है जो पुराने मटेरियल से और ज़्यादा क्लियर है, उसकी वजह से पेशेंट की विजन और अच्छी आती है। और ये जो रेंज है, ये तीनों डिज़ाइंस मोनोफोकल, ईडॉफ एंड मल्टीफोकल तीनों कैटेगरीज में अवेलेबल है। तो मोनोफोकल लेंस का नाम है क्लारियन मोनोफोकल, ईडॉफ लेंस का नाम है क्लारियन विविटी, एंड मल्टीफोकल लेंस का नाम है क्लारियन पैनोप। सो 2023 में मोतियाबिंद या कैटरेक्ट के ऑपरेशन टेक्निक में कुछ नया इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। स्टिल वी हैव द सेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैटरेक्ट सर्जरी सुइट, जहाँ पे हम 5-6 मशीनों का इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल परफेक्ट एंड प्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स देने के लिए अपने पेशेंट्स को। तो यही सारा जो स्वीट है ये यहाँ पे डिस्प्ले में है, एंड इसके ऊपर पूरा एक डिटेल्ड वीडियो मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, जहाँ पे मैंने आपको लाइव दिखाया है कि ऑपरेशन अब इस स्वीट के साथ कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। जो इस कॉन्फ्रेंस में नया इंट्रोडक्शन है, दैट इज द मायो स्मार्ट लेंसेज। इन लेंसेज को चश्मों में यूज़ करा जाता है, एंड इन लेंसेज की खासियत ये है, स्पेशली बच्चों को हम ये लेंस प्रिस्क्राइब करते हैं, और ये जो लेंस है ये चश्मे के नंबर को 60% बढ़ने से रोक सकता है। तो अगर किसी बच्चे का नंबर 5 पहुंचना था तो इन लेंसेज की हेल्प से हम उस नंबर को 2 या 2.5 पर ही रोक सकते हैं। अब मैं हूँ हिडलबर्ग इंजीनियरिंग के स्टॉल में, जहाँ पे 2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मशीन्स, स्पेक्ट्रालिस एंड एंटीरियन, इसको लॉन्च करा गया है, एंड ये मशीन्स बहुत ही जल्दी हमारे हॉस्पिटल में भी अवेलेबल होंगी। एंड खासियत ये है कि ये बिल्कुल टॉप नॉच मशीन्स हैं जिससे हम एंटीरियर सेगमेंट और पोस्टीरियर सेगमेंट, आंखों के बाहर का हिस्सा और आंखों के अंदर का हिस्सा, पीछे का हिस्सा, उसके बहुत फाइन डायग्नोसिस कर सकते हैं और अपने पेशेंट्स को बेस्ट क्वालिटी ट्रीटमेंट्स दे सकते हैं। तो अब मैं हूँ ESW के स्टॉल के सामने, एंड ESW की 2 पॉपुलर मशीन्स हैं। टीयर चेक मशीन, जिससे एक क्लिक में पता लग जाता है कि आंख में किस वजह से ड्राइनेस हो रही है, एंड IPL थेरेपी, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियोस बना चुका हूँ। तो आगे चलते हैं और दिखाता हूँ इस कॉन्फ्रेंस में क्या है। सो 2023 में ये कुछ चीज़ें हैं जो नई लॉन्च हुई हैं इस कॉन्फ्रेंस में, एंड अब हम जा रहे हैं अपनी प्रेजेंटेशंस देने और वहाँ से ख़त्म होकर फिर मैं आपको आगे दिखाऊँगा। फाइनली ESCRS 2023 हैज़ कम टू एन एंड, एंड बहुत ही एक्साइटिंग 2 दिन रहे। हर साल मैं इस कॉन्फ्रेंस आता हूँ बिकॉज ये एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस है, जहाँ पे पूरे दुनिया के आई डॉक्टर्स, आई केयर प्रोफेशनल्स,
इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरर्स, बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे ज़ाइस, एल्कॉन, स्टार यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं एंड पूरा एक इकोसिस्टम बनता है। हम नए लोगों से मिलते हैं, उनसे सीखते हैं कि बाकी दुनिया में क्या चल रहा है, हम लोग इंडिया में क्या कर रहे हैं, आपस में थॉट्स शेयर होती हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं एंड ओवरऑल इट्स अ वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी एनर्जेटिक फीलिंग टू अटेंड दिस ESERS कॉन्फ्रेंस एवरी ईयर। सो अगेन, आपके मन में और कोई भी डाउट्स हैं तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक ले थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल बी बैक सून।